जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है बी मनु भारद्वाज। मनु मेरा नाम, आप सबों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद, आभार आप सबका फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड माय सॉन्ग्स एंड दिस सीरीज ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, इंडियन म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जिसका नाम मैंने दिया है कि लर्न सिंगिंग इन दिस लॉकडाउन। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इसको सीखना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, किस राग से शुरुआत करनी चाहिए, थाट क्या है, स्वर क्या है, श्रुतियाँ क्या है, और कैसे भातखंडे साहब ने इसको 10 थाटों में बांटा और उसमें अलग अलग राग दिए, ये सब बातें हम अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में कर चुके हैं, जिसमें हमने राग बिलावल, देन थाट बिलावल, और इस बिलावल थाट के दो एक राग करे, फिर उसके बाद यमन थाट में से हमने कल्याण और एक आधा और राग करा, और लास्ट एपिसोड था भोपाली। और आज हम बात करेंगे इन्हीं 10 थाटों में से एक और थाट है, बहुत ही अच्छा थाट है काफ़ी। काफ़ी थाट का ही आश्रय राग है राग काफ़ी। मेरी एक इच्छा रहती है या मेरा एक स्टाइल भी रहता है कि जिस थाट की मैं बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले उसी थाट का आश्रय राग, जिसको हम बोलते हैं मेन राग, उसके बारे में मैं बात करता हूँ या समझाता हूँ या बताता हूँ। जैसे बिलावल थाट का सबसे पहले हमने बिलावल राग करा, यमन कल्याण थाट का हमने कल्याण राग करा, यमन कल्याण, और थाट काफ़ी में से हम लोग सबसे पहले करेंगे राग काफ़ी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुरीला, बहुत ही मधुर राग है और संपूर्ण राग है। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको अगर जिसने म्यूज़िक सीखना है, शुरू करना है, तो उसको बिलावल थाट से करना चाहिए, क्योंकि बिलावल राग में सारे के सारे शुद्ध नोट्स लगते हैं। और काफ़ी थाट जो है ये नॉर्थ इंडिया में बड़ा फेमस है, बहुत सारे लोकगीत, बहुत सारे फोक सॉन्ग, बहुत सारे लोकल म्यूज़िक आपको इसमें मिलेंगे। आप गूगल करेंगे या अपने किसी टीचर गुरु और या अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछेंगे तो बहुत सारे सॉन्ग्स, लोकगीत इसमें मिलेंगे। कर्नाटिक म्यूजिक में इसका नाम खराह प्रिया रखा गया है, वो भी मीठा नाम है। ज़्यादातर ये जो राग है ये ठुमरी, टप्पे या होरी, होरी के पद, तो ये इस गायन के लिए ज़्यादातर जाना जाता है। लेकिन इंडियन बॉलीवुड म्यूज़िक इसमें बहुत सारे गाने, बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारी कॉम्पोजिशंस रखता है, मैं आपसे शेयर करूँगा बहुत सारे, तो जितने मुझे पता है मैं उतने ही शेयर करूँगा। और आई थिंक वो सारे हिट सॉन्ग ही हैं, क्योंकि वही आम इंसान एक याद रखता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसके सेंडिंग डिसेंडिंग क्या है और इसका चलन क्या है, इसके टाइम समय क्या है, तो शुरू करते हैं। इसका जो समय है वो समय से याद आया वैसे तो ये कि नौशाद साहब ने इसके लिए, इस राग के लिए स्पेसिफिकली एक चीज़ बड़ी अच्छी कही थी, वो ये कही थी कि राग काफ़ी वो राग है जिसको कभी भी गाओ। वैसे इसका स्पेसिफिकली जो समय है वो मध्य रात्रि है, कुछ इसको 9 से 12 वैसे टाइम है तो कोई साइन बोल देता है, लेकिन 9 से 12 हम मध्य रात्रि बोलते हैं, रात के 9 से 12 का इसका समय रहता है। और नौशाद साहब का जैसे मैंने जिक्र किया है साथ साथ वो भी चलेगा, अभी पहले इसके सेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं। सारे गाधानी सा गा और नी कॉमन है। जैसे मैंने पहले अपने एपिसोड्स में बताया हुआ है कि हर राग की, हर थाट की एक पहचान होती है। बिलावल की पहचान मैंने बताई थी सारे शुद्ध, कल्याण की पहचान बताई थी मातिव्र, और काफी थाट की पहचान है नी और गा।
ये कोमल स्वर है इसके। गा नी गा, ये दोनों कोमल है। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। इसमें पा वादी है और सा समाधि है। अब इसका चलन आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस राग को दर्शाता है, शो करता है। इसकी जो स्वर है वो ये मुख्य अंग जिसको बोलते हैं या चलन है। चार स्वरों का कॉम्बिनेशन आता है पा मा गा रे सा, तो आप फटाक से समझ जाएंगे ये राग काफी है या थाट काफी है। ये राग भीमपलासी और राग भागेश्वरी की भी, भागेश्वरी इसके भी बहुत नजदीक राग है क्योंकि वो भी दोनों काफी थाट से हैं। फर्क सिर्फ इतना है ये संपूर्ण है, वो ऑड ऑफ संपूर्ण है, शार्ट ऑफ संपूर्ण है, ऐसे राग है। तो आगे जाके हम उसके बारे में भी प्रॉपर एक एपिसोड तैयार करेंगे। अभी आप लोग प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन पे, आइकन पे जरूर एक दफा प्रेस करें। इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद जो है वो मेरे लिए इस रूप में आता है। आप इसको लाइक करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं। कहीं कहीं इस राग के अंदर शुद्ध गा और नी भी लगा है, लेकिन जो महान संगीतज्ञ संगीतकार रहे हैं उन्होंने कुछ बहुत क्रिटिसाइज नहीं किया है इसे। कहीं कहीं इसका चलन में हुआ है। अब जैसे मैंने बात करी थी नौशाद साहब की, तो इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो कामयाब म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं वो रहे हैं नौशाद साहब। नौशाद साहब का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ आज क्योंकि इस राग के लिए पर्टिकुलरली उन्होंने बोला था कि राग काफ़ी इतना मीठा, इतना प्यारा राग है, इसको मैं कभी भी गा सकता हूँ, इसको मैं कभी भी बंदिश में ला सकता हूँ, कंपोजिशन में यूज़ कर सकता हूँ। वैसे उन्होंने अपना संगीत करियर जो शुरू करा था, आई रेड समवेयर, मैंने पढ़ा था कि 1944 में, यानी उन्होंने 1944 से लेकर 2005 तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सेवा की, यानी ही पेड 65 इयर्स और 65 ही रिलीज्ड फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक दिया और वो सब हिट ही थी। सबसे ज़्यादा जो म्यूज़िक के का म्यूज़िकली हिट फिल्म रही हैं वो इनके खाते में हैं। सबसे ज़्यादा म्यूज़िकली हिट फिल्मों जो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, प्लेटिनम जुबली रही हैं तो वो इनके नाम पे रही हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि 1944 से पहले हमारा जो म्यूज़िक था वो, क्योंकि हम लोग ग़ुलाम थे और हमारे म्यूज़िक के ऊपर छाप थी वेस्टर्नाइज्म की, तो वेस्टर्नाइज म्यूज़िक को ही हम लोग तैयार करते थे जो हमसे बड़े हमारे सीनियर और उस समय के म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं। नौशाद साहब एक लौते ऐसे थे जिन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। ही स्टार्टेड कंपोजिंग म्यूज़िक अंडर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। उन्होंने राग और सबको लेकिन उनका सबसे पहली जो फिल्म थी मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने भैरवी राग को ज़्यादा महत्व दिया था। और आज तक का सबसे बड़ा इनाम जो है वो भी नौशाद साहब के नाम ही है। अगर आप ए आर रहमान साहब का ऑस्कर भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं उनके बाद अगर किसी को समझता हूँ बहुत अच्छे संगीतज्ञ या म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो ए आर रहमान साहब हैं। नौशाद साहब को जो नवाजा गया वो नौशादनी भैरवी, यानी एक राग उनके नाम को दे दिया गया है। अब इससे बड़ा खिताब या पुरस्कार या इनाम क्या होगा, नौशादनी भैरवी उनको दे दिया। और नौशाद साहब ने इस राग काफ़ी के अंदर भी बड़ा काफ़ी मिरेकल किया है, जो उन्होंने मेहंदी हसन साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब इनके साथ मिलके करा था। रफ्ता रफ्ता वो मेरी, मेहंदी हसन साहब है ना, तो
इन्होंने कुछ एक गज़लें चंदे गज़लें उनके साथ करी। बॉलीवुड के बहुत सारे गाने हैं, नौशाद साहब का जिक्र कर रहा हूँ तो एक के एल सहगल साहब के साथ उन्होंने गाया गंदी मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना हाय हाय ये जालिम जमाना। ये राग काफी का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। फिर उसके बाद जो सबसे अच्छी एग्जांपल जो मैं समझता हूँ वो है गुलाम अली खान साहब की गजल निकाह फिल्म में जो आई थी, तो वो गुलाम अली खान साहब ने राग काफी में ही करी है। छुपके छुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना छुपके छुपके रात दिन आंसू बहाना याद। रूपक ताल के अंदर ये बंदिश है या ये गजल है, बहुत अच्छी एग्जांपल है ये राग काफी की। पिलरी साहब का एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है दिल दिल में हो तुम सांसों में तुम बोलो तुम्हें क्यों ना चाहूं जानम ओ मेरी जानम जानम। बहुत अच्छा सॉन्ग, बहुत अपने टाइम का हिट सॉन्ग है ये भी। एक जगजीत सिंह साहब की एक गजल थी तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं, मुझे उसकी धुन याद नहीं है लेकिन वो भी राग काफी में है मुझे अच्छे से पता है। जैसे मैंने बताया कि नौशाद साहब और मेहंदी हसन साहब, ये मेहंदी हसन साहब की गजल है, नौशाद साहब का ही शर्मीले प्यार भरे दो शर्मी। बहुत मीठी गजल है, राग काफी के अंदर ही है ये भी। लट उलझी सुलझा जा बालमा, ये भी राग काफी का ही एक एग्जांपल है। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, राज कपूर साहब की एक फिल्म थी आब लौट चले, आब लौट चले आब लौट चले, ये राग काफी के अंदर ही है। अपलम जपलम जपलाई रे सारी दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे सारी दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना। बहुत अच्छा ये भी एग्जांपल है। एक मेरी आवाज सुनो दिल की आवाज सुनो, ये भी गाना राग काफी के अंदर ही है। एक और फिल्म है आंखें फिल्म धर्मेंद्र जी की, जिसमें गैरों पे करम अपनों पे सितम ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर ये जुल्म। ये भी राग काफी का ही एग्जांपल है। है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं कोई आए कोई हम किसी से गम नहीं नहीं है अगर दुश्मन दुश्मन हम किसी से गम नहीं। फिल्म का शायद ये सॉन्ग है लेकिन ये भी सेम नोट्स लगे हुए हैं तो 100% ये राग काफी ही है। एक
एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है बॉलीवुड के अंदर, काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी, काली घोड़ी द्वार खड़ी। ये चश्मे बद्दूर फिल्म का एक दो गाना है, बंदिश है इनफैक्ट, बड़ी अच्छी। और मेरी सुजेशन रहेगी सब सुनने वाले देखने वालों के लिए कि एक दफ़ा ये बंदिश जरूर सुने और गाएं, क्योंकि ये स्टीक एग्जांपल है राग काफी की, जैसे चुटके चुटके रात दिन। और अगर हम नौशाद साहब की बात कर रहे हैं और हम म्यूजिक इंडस्ट्री बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, तो हम आर डी बर्मन साहब की बात ना करें तो अधूरी रह जाएगी हमारी बात, क्योंकि आर डी बर्मन साहब वो हैं जिन्होंने इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक को एक नया रूप, नया आयाम दिया। बहुत सारे राग उन्होंने यूज़ किए अलग अलग फिल्मों में, राग काफ़ी उनको बड़ा प्रिय राग था, क्योंकि जाते जाते वो उनका जो जब अपना जीवन काल जीवन समय पूरा करके गए हैं, तो उनका लास्ट फिल्म थी 1942 लव स्टोरी, तो उसमें जाते जाते लास्ट सॉन्ग उन्होंने जो कंपोज किया था वो राग काफी के अंदर था। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा तो ये जो गाना है ये राग काफी का स्टीक एग्जांपल है। इसी तरह से नौशाद साहब भी जाते जाते 2005 में हो गए थे, उससे पहले जाते जाते उन्होंने एक सीरीज सीरियल आया था टीपू सुल्तान, तो उसका जो सिग्नेचर म्यूजिक था जैसे मैंने पहले बताया इस एपिसोड को शुरू करते हुए कि इंडियन नॉर्थ इंडिया में बड़ा फेमस है, तो बहुत सारे लोकगीत हैं। काली तेरी गुत दे परां दा तेरा लालनी, रूप दिए रानी ए परां दे नू संभालनी, ये भी राग काफी है। फिर ओ एक और पाकिस्तानी सॉन्ग है, राइटर का नाम मैं भूलूं। ओखे पेंडे लमिया ने रावा इश्क दिया, दर्द जिगर ने सख्त सजावा इश्क दिया, अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह। एडिया गुड़िया छावा जगते लबनिया नहीं, डर जावन एक बार ते मावा लबदिया। इस तरह के बहुत सारे लोकगीत, फोक गीत और सूफी सॉन्ग्स हैं जो राग काफी में हैं। जाते जाते एक और म्यूजिक बॉलीवुड इंडस्ट्री का गाना मेरे दिमाग में आ गया है, टिप टिप बरसा पानी पानी में आग लगाई, ये भी राग काफी के ऊपर है। तो दोस्तों, जैसे हमें बड़ी सारी चीजें आज और सॉन्ग्स शेयर करें राग काफी के अंदर क्या क्या है, तो आप आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो आप लाइक का बटन दबाएं, कमेंट जरूर दें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और सबसे जरूरी कोविड की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो मेरा देश स्वस्थ है, मेरा देश स्वस्थ है तो हम बहुत तरक्की करेंगे, और खुश रहें, आबाद रहें।